हेलो बच्चों, नमस्कार। कह रहे बच्चों, आज हम चैप्टर 5th शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। कैसा वर्गीकरण? आवर्त वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनिए। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों हमें अलग अलग जितने भी वैज्ञानिक हुए उनकी थ्योरीज पढ़ने को मिलेगी, और उस थ्योरी में हम ये जानेंगे कि आखिरकार कैसे एलिमेंट्स का डेवलपमेंट हुआ और एलिमेंट्स को किस तरीके से बांटा गया, ताकि हमें उसको समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो जैसे अगर सबसे पहले मैं बात करूं डॉर्बेन आयर की, सबसे पहले बात हम करेंगे डॉर्बे नायर ट्रेट्स, ठीक है, डॉर्बे नायर त्रिक। तो बच्चों, डॉर्बे नायर त्रिक में क्या बताया गया आपको कि डॉर्बे नायर ने कहा कि भाई मैंने ना 9 एलिमेंट खोजे हैं। ठीक है जी, मैंने कितने एलिमेंट खोजे हैं? ये डॉर्बे नायर ने बोला जी, मैंने 9 एलिमेंट खोजे हैं, और उन 9 एलिमेंट को कुछ इस तरीके से अरेंज किया है जिसका आधार ये रहा, जिसका बेस ये रहा कि भाई क्या रहा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है भाई, तत्वों का बढ़ता आणविक द्रव्यमान क्रम, ठीक है, आणविक द्रव्यमान क्रम। ठीक है जी बच्चों, ये रहा तत्वों का बढ़ता आणविक द्रव्यमान क्रम, ये सीरीज रही। अब चाहे तुम वो लेफ्ट टू राइट देख लो, चाहे राइट टू लेफ्ट देख लो, हर जगह पे क्या रहेगा बच्चों, हर जगह पर आपको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ही दिखाई देने वाला है। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए, अब जैसे मैं 9 एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है, यानी जो डॉर्बेन आयन ने सेलेक्ट किए थे वो मैं बताता हूँ, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है जैसे, उसके बाद है कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, फिर कौन है, फिर है क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ये है। अब इसने ये कहा कि मैंने इनको लेफ्ट टू राइट, चाहे टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ले लो, चाहे लेफ्ट टू राइट ले लो, मैंने इन्हें कैसे अरेंज किया भाई, मैंने इन्हें इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया है। ये कौन कहता है? ये डॉर्बेनायर कहता है, ठीक है, और इनको 3 अलग अलग ग्रुप का नाम दे दिया। जैसे इस ग्रुप को नाम दिया गया एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स, एल्कली धातु, इसको नाम दिया गया एल्कलाइन, एल्कलाइन मेटल्स, ठीक है, एल्कलाइन धातु, और इसको कहा गया हेलोजन, हेलोजन को भाई हेलाइड्स भी कहते हैं, ठीक है, हेलोजन, ठीक है, इसको अर्थ मेटल भी कहा जाता है बच्चों, ध्यान रखना, अर्थ मेटल, एल्कलाइन, ठीक है। अब बच्चों, इसका नाम तो हमने दे दिया, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना, इसका डॉर्बेन आयन ने आखिरकार बोला क्या, ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से हमें ये पता चले कि हाँ जी, ये टॉपिक पढ़ना जरूरी था उस टाइम के हिसाब से। तो जरूरी ये था क्योंकि एलिमेंट जरूर खोजे गए थे, लेकिन उसको क्या पढ़े, कैसे याद कैसे रखे, उसको अरेंज कैसे करें, उनको हम किस तरीके से क्या क्लासीफाई करें, ये सब बातें हमें नहीं पता थी। तो डार्विन ने बताया कि भाई इसके पहले और आखिरी का जो एवरेज होगा वो लगभग बीच वाले के बराबर होगा। तो भाई इसने निकाल के दिखाया कैसे, जैसे पहला चेक करते हैं, लिथियम का 7 मास होता है, सोडियम का 23 मास होता है, पोटेशियम का 39 मास होता है। तो हमने क्या किया, पहले का और आखिरी का एवरेज निकाला, पहले का और आखिरी का एवरेज निकाला, तो हमने देखा कि भाई ये तो सही में बीच वाले के लगभग बराबर आ गया। कैसे, 46/2 कट गया 23, तो भाई ये तो दोनों 23 23 आ गए।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेजली बराबर आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्ट बराबर, ठीक है, यानी डॉर्बेनायर ने ये नहीं कहा कि डॉर्बेनायर साहब बोल दिया कि भाई एवरेजली बराबर है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर नहीं है। अब इसका आ गया एग्जैक्ट तो इसका मतलब ये नहीं है सही। अच्छा दूसरा देखो, जैसे कैल्शियम है उसका 40 होता है, स्ट्रॉन्टियम है 88 होता है, ठीक है, बेरियम है, ठीक है, इसका 137 होता है, ठीक है। अब इसको ऐड करके देखो, जैसे कैल्शियम प्लस बेरियम अपॉन में 2 स्ट्रॉन्टियम, ठीक है, स्ट्रॉन्टियम, अब इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 137 अपॉन 2 बराबर 88, देखो ऐड करो, ऐड करोगे 177 अपॉन 2 88, कैंसिल करो 8.5, यानी बराबर तो हुआ लेकिन ऑलमोस्ट लगभग बराबर हुआ, एवरेजली बराबर हुआ, यानी ये पूरा पक्का बराबर नहीं है, पूरा पक्का बराबर नहीं है। समझ में आ रही है बात बच्चों, ठीक है, पूरा पक्का बराबर नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने देखा बच्चों कि हम इसे इजीली क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड वाला भी आप कर सकते हो, क्लोरीन का 35.5, ठीक है, ब्रोमीन का होता है 80 और आयोडीन का होता है 127, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये देखा कि हम इनको भी क्या कर सकते हैं, पहले और आखिरी वाले को ऐड करके, पहले और आखिरी वाले को ऐड करके क्या कर सकते हैं, थर्ड वाले यानी बीच वाले के, मिडल वाले के लगभग लगभग बराबर ला सकते हैं एटॉमिक मास। ये डर्बेनायर ने कहा, और उसने साथ ही साथ ये भी कहा कि भाई ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आराम से लागू हो जाएंगी। लेकिन ये फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, क्योंकि जब जब इससे और भी ज़्यादा हैवी एलिमेंट, लाइट एलिमेंट ढूंढे गए, तो भाई उसको इस ट्रेड में रखना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से ये ट्रेड पूरी तरीके से क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया, ठीक है। क्योंकि भाई जब ये ट्रेड में रह ही नहीं सकते, जब आगे के एलिमेंट रह ही नहीं सकते, तो ये ट्रेड वहीं फेल हो गया। फिर उसके बाद नई टेबल बनी, कौन सी टेबल बनी वो मैं पढ़ाऊंगा, आप जल्दी से इसको उतारिए फिर लिखवाता हूँ आपको मैं। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा, आप पहले लिखिए, सबसे पहले डॉर्बेनायर के बारे में लिखेंगे, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, groups of three elements having similar chemical properties are obtained the atomic mass of the middle element of the trade being equal to the arithmetic mean of the atomic masses of the other two elements, ठीक है, हिंदी वाले देखिए, जब तत्वों को बढ़ते द्रव्यमान क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जब तत्वों को बढ़ते द्रव्यमान क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीन तत्वों के समूह को त्रिक कहा जाता है, तो तीन तत्वों के समूह को त्रिक कहा जाता है,
जिनमें उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, जिनमें उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, और बीच वाले तत्व का द्रव्यमान, बीच वाले तत्व का द्रव्यमान बाकी दो तत्वों के द्रव्यमान, बाकी दो तत्वों के द्रव्यमान के औसत मान के बराबर होता है, के औसत मान के बराबर होता है, के औसत मान के बराबर होता है, ठीक है, के औसत मान के बराबर होता है। अब लिखेंगे लिमिटेशंस, लिखेंगे लिमिटेशंस, सीमाएं, लिखेंगे लिखेंगे इट वॉज फेल्ड टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स, इट वॉज अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स, इट वॉज अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ जी, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ठीक है। हिंदी वाले देखेंगे, यह ट्रिक फेल हो जाता है, यह ट्रिक फेल हो जाता है जब, यह ट्रिक फेल हो जाता है जब नए तत्वों को, जब नए तत्वों को खोजकर इसमें व्यवस्थित नहीं कर पाते, नए तत्वों को खोजकर व्यवस्थित नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं इसी के साथ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। इन भाई साहब ने तो गलतियों की बौछार लगा दी थी, ऊपर से घमंड अलग, ठीक है, देखना कैसे। अब घमंड कहो या कुछ भी कहो भाई, उस टाइम के माने जाने वैज्ञानिक थे तो थोड़ा सा तो बनता है। चलिए देखेंगे जरा, चलिए देखेंगे, मैं पहले टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, तो एक मिनट का वेट करेंगे, ठीक है, टेबल बना रहा हूँ मैं।
चलिए बच्चों देखेंगे, ये टेबल बनाई थी न्यूलैंड भैया ने, और उन्होंने उस टाइम पे 56 एलिमेंट की खोज कर दी थी भाई। टोटल कुल मिला के कितनी? 56 एलिमेंट। और उन्होंने एक बात और भी बोल दी कि इससे ज्यादा एलिमेंट ना कभी इससे ज्यादा एलिमेंट कभी भी आप जिंदगी में नहीं खोज पाएंगे। उनका कहना था ये कि भाई 56 खोजे हैं और अब फ्यूचर में कभी भी इससे ज्यादा एलिमेंट खोजे नहीं जा सकते। ये उनकी क्लियर स्टेटमेंट थी, ठीक है, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती थी। फिर उन्होंने अब पहली बात तो क्या किया, पहले ये देखो, देखो भाई उन्होंने जो डर्बेनर वाला हिसाब किताब था ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज, उन्होंने उसी को रिपीट किया, बस इसमें एक नई चीज कर दी। क्या? मैंने जैसे कि बताया था कि भाई इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगाया जाएगा, यानी लेफ्ट टू राइट जाओ चाहे टॉप टू बॉटम जाओ, मास बढ़ता जाएगा, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, मतलब इस लाइन वाले की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, ठीक है, इस लाइन वाले की ऐसे टॉप टू बॉटम क्या होगी, सबकी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है। लेकिन इनके में कुछ और था, इनके में क्या था, केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी लेकिन कैसे थी मैं बताता हूँ। देखो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास तो है, ये तो साफ दिख रहा है, कैसे एक सात, ठीक है, एक है सात है और इसका नौ है, इसका 10 है, इसका 12, इसका 14, इसका 16, तो ये तो साफ दिख रहा है, जैसे इसका एक है, इसका 19 है, इसका 35 है, इस तरीके से बढ़ रहा है, ये तो साफ दिख रहा है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है। लेकिन न्यूलैंड्स ने अपने ऑक्टेव लॉ में क्या बोला, उसने कहा कि भाई जहाँ से भी गिनती शुरू करोगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो पहले और आठवें एलिमेंट का, यानी जहाँ से भी आप गिनती शुरू करोगे पहले और आठवें एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ सेम होगी। ये किसका कहना था? ये कहना था न्यूलैंड्स का, ठीक है। और मानते हैं भाई हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों नॉन मेटल है, ठीक है जी। जैसे अब यहाँ से गिनो, सोडियम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो सोडियम और पोटेशियम इन दोनों का भी सेम है भाई, इन दोनों का भी क्या है, सेम है प्रॉपर्टी, ये भी मेटल ये भी मेटल, दोनों के दोनों सॉफ्ट मेटल है, चाकू से काटो आराम से कट जाएंगे, यानी कुछ भी करो आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह मैग्नीशियम कैल्शियम, ठीक है, जैसे गिनो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, भाई ये दोनों भी सेम है। लेकिन कैल्शियम के बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे, कैल्शियम के बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे फेल हो जाता है, कैसे? देखो एल्युमिनियम एक अलग टाइप का मेटल है, यानी नॉर्मल मेटल है, जबकि क्रोमियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, आगे जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई देखो सीधी सी बात है, अब तक दोनों के दोनों सारे के सारे नॉर्मल थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ फर्क आ गया, जैसे यहाँ पे ये नॉर्मल है या ट्रांजिशन है। तो भाई जब नॉर्मल या ट्रांजिशन है तो कुछ वर्ड में जब फर्क आया तो सीधी सी बात है प्रॉपर्टी में भी फर्क होगा, और जब प्रॉपर्टी में फर्क है तो इस वजह से क्या हुआ भाई, इस वजह से ये हुआ कि ये कैल्शियम के बाद ये प्रॉपर्टी लगना फेल हो गई। मतलब जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लो था वो कैल्शियम के बाद लगना क्या हो गया, फेल हो गया। लो ना यहीं देख लो, यही देख लो, सल्फर से गिनो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब लो जी सल्फर नॉन मेटल है और आयरन मेटल, तो क्या कभी नॉन मेटल और मेटल की प्रॉपर्टी सेम हो सकती है क्या? जी कभी नहीं हो सकती प्रॉपर्टी सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इनकी प्रॉपर्टी सेम हो नहीं सकती तो इसका मतलब ये टेबल ऑब्वियस ही बात है फेल हो गई। तो फेल होने का पहला कारण भाई कि उसने बोला 56 एलिमेंट है, इससे ज़्यादा कभी होएंगे ही नहीं, और आज हमारे पास 118 119 के आसपास, ठीक है। दूसरा फेल होने का कारण कैल्शियम के बाद ये प्रॉपर्टी लगना ही बंद हो गई, ठीक है। फेल होने का तीसरा कारण ये था कि भाई इसने अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक ही स्लॉट में रख दिया। देखो ना कोबाल्ट और निकल दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, और दोनों को कहाँ रख दिया, एक ही स्लॉट में रख दिया। तो फेल होने का तीन तीन कारण ये थे। तो फेल होने का न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ फेल होने का पहला कारण, तो पहला कारण क्या था, उसने बोला 56 एलिमेंट होंगे लेकिन मिल गए उससे ज्यादा। दूसरा कारण कि भाई कैल्शियम के बाद ये ऑक्टेव लॉ लगना ही बंद हो गया, ठीक है। तीसरा कारण क्या भाई कि अलग अलग प्रॉपर्टी के दो एलिमेंट को सेम स्लॉट में रख दिया, तो इसलिए भाई प्रॉपर तरीके से क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी फेल हो गई, ठीक है। और उसने जो लॉ दिया उसमें लॉ में क्या बताया था कि जो पहला एलिमेंट होगा उससे काउंट करते हुए एट्थ एलिमेंट का प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगा, जो कि कैल्शियम के बाद फेल हो गया, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए फिर लिखवा देता हूँ।
चलिए भाई, करें शुरू। लिखो, लिखो। लिखो, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट are a repetition of the property, are a repetition of the properties of the first element, of the first element. हिंदी वाले, जब तत्वों को बढ़ते आणविक द्रव्यमान के क्रम में लगाया जाता है, जब तत्वों को बढ़ते आणविक द्रव्यमान के क्रम में लगाया जाता है तो आठवें तत्व की, तो आठवें तत्व की गुणधर्म पहले तत्व के समान होता है। तो आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान होता है, आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान होता है। लिखिए सीमाएं, लिमिटेशन। ठीक है, लिखो, लिखिए पहली लिमिटेशन, पहली गलती। Newland's octave law was applicable up to calcium. Newland's octave law was applicable up to calcium. Up to calcium. सीमाएं, हिंदी वाले लिखेंगे सीमाएं। Newland के अष्टक का नियम, Newland's के अष्टक का नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू रहा। न्यूलैंड्स के अष्टक का नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू रहा। ठीक है, सेकंड, न्यूलैंड्स एज्यूम्ड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स, न्यूलैंड्स एज्यूम्ड दैट, न्यूलैंड्स एज्यूम्ड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर, only 56 elements existed in nature and no more elements discovered in the future, and no more elements discovered in the future, and no more elements discovered in the future. Hindi wale, Newland's ka manna tha ki keval 56 tatv hi, Newland's ka manna tha ki, न्यूलैंड्स का मानना था कि केवल 56 तत्व ही, केवल 56 तत्व ही प्रकृति में संभव है, केवल 56 तत्व ही प्रकृति में संभव है और भविष्य में भी इससे अधिक, और भविष्य में भी इससे अधिक नहीं खोजे जा सकते, भविष्य में भी इससे अधिक नहीं खोजे जा सकते। ठीक है, थर्ड, थर्ड, ही पुट टू एलिमेंट्स टुगेदर, ही पुट टू एलिमेंट्स टुगेदर इन अ सेम स्लॉट, in a same slot, having different chemical properties, having different chemical properties,
ठीक है, हिंदी वाले, उसने दो तत्वों को एक ही खांचे में रख दिया, उसने दो तत्वों को एक ही खांचे में रख दिया, जबकि उसके गुणधर्म अलग अलग थे, जबकि उसके गुणधर्म अलग अलग थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के साथ, ठीक है, और एक नई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और साथ ही साथ एक और करेंगे क्या हम, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के साथ साथ करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी शुरू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो यानी नेक्स्ट क्लास में मान के चलिए चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए बाय।